स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों अज आपां हैगे जी इस वेले जलंधर जिले दे विच पैंदा भोगपुर, भोगपुर दा थाणा मेन गेट तुसीं देख सकदे हो। आपां इत्थे खलोते हैगे आ। अमृतसर तों उचेचे तौर ते चल के आए हुए ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी दे सेवादार भाई बलबीर सिंह जी मुच्छल। उन्हां तों इलावा इत्थे लागे मुकेरियां हैगा, मुकेरियां तों भी आए हुए ने सरदार दविंदर सिंह जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी दे सेवादार हैगे ने सारे। होर भी आ सारे वीर अमृतसर तो चल के आए हुए हैं, बाकी आ सारे भीर इतों के है। एक मसला हैगा जी, कोई मुच्छल जी के कोल मेरा ख्याल एक FIR की कापी फड़ी हुई है जी। FIR की कापी जी है ये हैगा, मसला की हैगा जिदे करके अज उचेचे तौर पर उन्होंने इतने भोगपुर आना पाया है। आप ये बारे थोड़ी जानकारी ले लें। मुच्छल जी की कहना चाहते हो, एक FIR मेरे ख्याल थोड़े को फड़ी हुई है, मसला की हैगा, कहदे संबंध आए हुआ? देखो जी, गुरद्वारा भोगपुर के विच ही है। इस गुरद्वारा साहब के विच ग्रंथी सिंह लंबे समय तो सेवा करता आ रहा, गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत सिंह ना तो तनखा दी गई 2 महीने पहला दी। दूसरा संगरांद वाले दिन की किया कि जिहड़ा हंसराज हुणी आ मनमुख बंदे आ अमृतधारी नहीं आ, केस दाड़ियाँ उन्होंने कटाई हुई ने, उन्होंने अपना एक जिहड़ा ग्रंथी महाराज की ताबिया बिठा के पावन हुक्मनामा लैण वास्ते कह दिता। जिहड़े गुरद्वारा साहब के प्रधान साहब ने वो अमृतधारी ने, अते होर भी जिहड़े ग्रंथी सिंह नाल लंबे समय तो सेवा सेवावां करा रहे ने, करते आ रहे ने। ग्रंथी गुरप्रीत सिंह जी नूं तनखा बारे जिहड़ी नहीं दित्ती गई, एक नौजवान पुछदा है कि प्रधान खजानसी साहब जी उहदी 2 महीने की तनखा दे दिओ, छोटे छोटे बच्चे ने। तनखाह देने की थान पर अग्गों ग्रंथी सिंह की कुटमार करनी शुरू कर दी है, केसों तो फड़ के लत्तां मार रहे हैं, शरेआम वीडियो वायरल हुई ने। हुण इतों के जिहड़े प्रबंधक सन कैप्टन दलबीर सिंह जी ते होर भी वो थाने विच पहुंचे ने, थाने वाले शरेआम धक्का कर रहे हैं प्रशासन। मैं हैरान हो गया वहां कि सरकार बदल गई पर यह लोग नहीं बदले, उही मुलाजम उही वर्दियां ने। 295 धारा ग्रंथी सिंह वालों उन्होंने ला दी गई, तो ग्रंथी सिंह होना उत्ते भी 295, 341 राह रोक के जी, वेखो राह रोक के 23, 24 उन्होंने भी जिन्होंने कुटिया तो उन्होंने उत्ते धारा पुलिस ला रही है। मतलब ग्रंथी सिंह कुटिया, मैं जिन थोड़ी जी दिखा दी वीडियो नाल, जिन्हें भी सज्जन गलबात सुन रहे हो नाल वीडियो देख सकते हो जी। आओ वीडियो है जिहड़ा कि मेरा ख्याल CCTV की फुटेज होएगी शायद, वह ग्रंथी सिंह की कुटमार की जा रही है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मुच्छल जी की कहना चाहते, मतलब ग्रंथी सिंह की कुटमार हुई तो ग्रंथी सिंह ते भी परचा देता गया इदा? हाँ जी, इदा जी। ग्रंथी सिंह वालों तो फड़ के ढिड विच लत्तां मुक्कियां मारियां जा रही, शरेआम वो वीडियो जी वायरल हुई है, जिदे करके भाई दविंदर सिंह जी मुकेरियां तो असीं भी अमृतसर तो चल के आए हाँ। जदों FIR हाथ के फड़ी आ तो छुट्टन दी आ FIR एक साहब की कि प्रशासन इन्ना धक्का कर रहा, ना तो मिले सानू श्री अकाल तख्त तो न्या, ना दवे सानू प्रशासन, सानू दसो कि अं कित्थे चल जाइए, ग्रंथी भानू तो अगे कोई तैयार नहीं आ। दूसरा ग्रंथियां नू कुटिया जा रहा, हुण ये कभी बर्दाश्त नहीं करांगे असी, हुण प्रशासन सानू इत्थे मोर्चा भी लाउणा पै गया, असी जरूर लावांगे क्योंकि प्रशासन ने शरेआम गुरद्वारा साहब की जी प्रबंधक कमेटी है जिहड़े ग्रंथी सिंह नूं रखना चाहुंदे ने, उन्हां पंजां जाणिआं दे उत्ते परचा दर्ज कर दिता गया, 3-4 धारा ला दित्तियां गईआं ने। अजे उन्होंने सगों ग्रंथी सिंह नूं कुट्टिआ ते नाल दे साथियों नूं सट्टां भी लगियां ने, उन्हां दा रिजल्ट आउण ते कहता कि परचा दर्ज करांगे। सब तों पहलां ASI जिहड़ा जसविंदर सिंह वा, क्योंकि इत्थे की चलदा पैसा चलदा, जिहड़ा ते पैसा दे देवे ते उहदे वल्लों जो मर्जी करा दो। इत्थे आटा नहीं हुण निरा गुजदा, इत्थे आटे च लूण गुन्निआ जांदा, निराए लूण गुन दिंदे आ। ये हालात इन्होंने पंजाब ते बनाते आ, ते मैं पंजाब सरकार कोलों एक बेनती कर देवां कि जिन्ने भी अफसर इस वेले थाणिआं दे विच लाए जा रहे आ, ये उही आ जिहड़े पहलियां सरकारां दे विच रज्जे पए ने। अवल ते इत्थे उह चाहीदे ने भावें पढ़े लिखे, जिहड़ा इंसाफ देण, ते पब्लिक जिहड़ी आ अजे भी तंग पई इन्हां कोलों। असीं आए हाँ, असीं SSP मुखविंदर सिंह उन्होंने भी गल की आ, हुण ही FIR के जिहड़ा इन्होंने ग्रंथी सिंह परचा दर्ज किया,
वह असी इतों का एस एच ओ डी एस पी भावें आ जाए क्योंकि असी हुण बह जाणा इत्थे। हाँ भाई दिंदर सिंह जी, क्योंकि असं धक्का नहीं हुण देवांगे गुरु घर के ग्रंथी सिंघाणा। तुहाडी हुण डिमांड यह है कि ग्रंथी सिंह दे उपर जिहड़ा परचा दर्ज किया गया है भी वह रद्द किया जाए, इदां ही जाए तो उन्होंने जिन्हों ने गुरु घर के आण के गुरु घर के ग्रंथियों की नाले गुरु घर की मर्यादा की बेदबी की है उन्होंने खिलाफ़ की उन्होंने फड़ के सलाखों के अंदर सुटिया जाए तुरंत। ये क्योंकि असी नहीं प्रशासन सानू इतने बिठाउन लगा वा तो मैं जथेदार जिहड़ा नवा बनाता रघबीर सिंह जी मैं उन्होंने बेनती करता वा कि हुण जथेदार बने जे तीन क साल तुसी मेरे हिसाब नाल बड़े आनंद बारे माणे आनंदपुर साहब की धरती से उतों तुम रज पुज के आए जे हुण इत्थे आण के वेंदे तुसी की करदे जे कि कुछ सिख कौम वास्ते कुछ करदे जे। पहला तो जो मैं फोन पर क्या ना तो घर चल जाना वो चंगा तो हूँ ही तुम बादल परिवार ने बिठाया वा तुम पंथ ने नहीं कोई ग्रंथ अपनी सिख कौम ने नहीं श्री अकालता साहब। मैं हैरान हो गया वा कि असी कोई आनंदपुर साहब आंदा कट्ठे हो अज 6 जून तक कोई कहिंदा किदे कट्ठे हो किदे कट्ठे हो। और सिख कौम नूं मेरी बेनती आ संप्रदावां नूं बेनती हाथ जोड़ के जे हुण कट्ठे होना तो श्री अकालता साहब कट्ठे होंदे तो सिख कौम श्री अकालता कट्ठे हो के तो जथेदार दिंदे कौम नूं। हाँ जी तो यही असल फैसला जिहड़ा उत्थे आ जाओ जी साडे वर्गे चुक्कियां गड्डियां उन्हों भज गए कोई आंदा उत्थे आ जाओ उत्थे कट्ठे करना पंजाब जथेबंदियां जादियां सारिआं ने आपोतापी पई आ। मैं सारिआं दे गाड़ी अपना सिर रख के बेनती करदा वां जे ते तुसीं मर्यादा नूं बाहर रखना वा सिख कौम दे बच्चिआं नूं बाहर जाण तों बचाउणा पंजाब 'च रखना वा तो आपां नूं श्री अकाल तख्त साहिब इक वड्डा इकट्ठ करके उत्थे इक फैसला लैणा चाहीदा वा कि ये ना कहो कि सरकारां बचाउण ये अपने पुत वा कमाई करते असीं घर वास्ते करदे आं ते पुत जम्मदे ते असीं अपने वास्ते जम्मदे आं ते ये ते आपां नूं हुण फैसले लैणे पैणे आपां की करने आ। ये मेरी सिख कौम नूं बेनती है जेकर तुसीं लोकां नूं इदां वरतदे रहे तो आने वाले समय से बाजा वाले ने तुहानूं पुछना जे कि तुसीं लोकां नाल धोखा करदे आ रहे जे अपनियां क्योंकि हुण वोटां भी आ रही वा। मैं बेनती करदा सिख कौम नूं वोटां श्रोमणी कमेटी दीआं होणियां ने ते पर जिहड़ियां अज जथेबंदियां पंजाब दे विच अपनी अपने जानी कि ढोल वजा रही वा मैं उन्हां नूं बेनती है तो नाले जिहड़ी सिख कौम वोटां पाउण वाली है उन्हां नूं बेनती है कि उन्ना चिर वोटां ना पायो जिन्ने चिर ये आप नहीं कट्ठे होंगे। मैं लगता कि बहुत वड्डी गल होणगे तो तुहानूं कट्ठियां कर सकते जे ये आप ना कट्ठे होए तो तुहानूं कदे नहीं कट्ठे करनगे तुहानूं धोखे च रखणगे। मेरी बेनती आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। वाकई मैं लगता कि जिवें वीर होरां दा कहना है कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार हालांकि आपां सारे समझदे हां खालसा पंथ भी ये गल समझदा है कि जिहड़े आ पंथक मसले हैगे आ ये मसले थाणियां विच नहीं आने चाहिए सके इदां दे सारे मसलों का निपटारा अकाल तख्त साहिब ते होना चाहिए सगा पर एक कौम की त्रासदी है जिहड़ी कि वीर होरां ने बयान की है त्रासदी यही है कि एक धिर एक परिवार आपकी मर्जी की जथेदार लाता है फिर आपकी मर्जी के फैसले अपने वालों थापे हुए जथेदारों के कोलों करवाए चलिया जाता है। सुआह हालात ने आपे ही लांदे आ ते आपे ही फिर वह लांदे आ। खालसा पंथ नूं बिल्कुल नहीं पुछया जाता है कि दसो जी आपां मिल बैठ के कोई जथेदार सेवा मुक्त करना है जां आपां किसे जथेदार नूं नवें नूं लाउणा है। खालसा पंथ नूं पुछया नहीं जाता है आपे ही लांदे आ ते आपे ही लांदे है। सो जिस मसले नूं लै के आए हुए ने मैं लगता पिंड वासी भी सारे इसे मसले नूं लै के आए हुए है भी ग्रंथी सिंह की कुटमार हुई है ग्रंथी सिंह के उपर जिहड़ा मुकदमा दर्ज कर दिता गया है नाल बराबर सारे का कहना है कि ग्रंथी सिंह के उपर दर्ज किया गया मुकदमा ग्रंथी सिंह तो वापस लेना चाहिए है रद्द होना चाहिए और जिहड़े दोषी ने जिन्होंने ग्रंथी सिंह कुटमार की उन्होंने खिलाफ़ ढुकमी कार्रवाई करके वीर होरां का कहना है कि उन्होंने सलाखों के पिछे सुटना चाहिए। हुण तुसीं फिर नहीं कार्रवाई कोई होंगी जे ग्रंथी सिंह तो फिर ग्रंथी का नाम नहीं कढ़िया जाता परचे बाहर तो फिर बैठन लगे हो इत्थे ग्रंथी सिंह के जिहड़े छडाउ वेखो मैं हैरान हो गया उत्थे छडाउणा ही आ उत्थे छडाया जाणा ही छडाउण वालिआं ते भी पुलिस ने परचा दर्ज करता कौन छडाऊगा भलके साडी पुलिस पंजाब दी की कर रही है कि जे कोई नौजवान सड़क ते डिग पैंदा वा इत्थे चुकण वालिआं जिहड़ा चुकिआ हस्पताल च खड़दा उत्ते कार्रवाई करदी तां करके चुकदा नहीं कोई जे उत्थे ना छडाउंदे ते कतल हो जाणे ही। इत्थे की कीता पुलिस ने ए एस आई जसविंदर सिंह होणा ने कि छडाउण वालिआं दे भी परचे दर्ज कर दिते गए आ असीं कदी बर्दाश्त नहीं करांगे ना कीता ते ना करांगे ना विके ना झुकांगे। हुण हुण की हुण इत्थे बैठण लगे हो फिर असीं पहलां जिहड़े अंदर बैठे अफसर उहनूं कहिंदे कि सानूं अफसर कोई मिला दो नहीं तां असीं लगे जे बहण दरियां लगे नहीं तां फिर बैठण लगे जी। उही गल जिद्दां आपां मैं अक्सर कहिंदा हुंदा कि लाल ते नीले रंग दीआं दरियां सिख बिछा के बैठे हुंदे आ हर जगह ही ते अज वी इत्थे बैठे हुए पिंड वासी मैनूं लगदा कि एक दो सज्जण जिहड़े छडाउण आए सीगे मैनूं लगदा कि थोड़ी जी तुसीं छडाउण की गल हुई सीगी
जदों अं थले अपना गुरुद्वारा साहब तो आए थे, बाबा जी ने अपनी तनखा बारे पूछा, हंसराज ने उन्हें धक्का मारिया और बाबे नूं फड़ के अंदर लै गए, उन्होंने कुटन लगे, जो बाबे नूं जा कुट रहे थे। मैं फिर अगे आ गए सिमरनाथ नूं, क्या इन्हू ना कुटो, अपने मुँह ने दो बार किया सिमरनाथ ना करो, छड्डो छड्डो, और जबरदस्ती कुटने लत्तां मार रही। फिर मैं भी उसे तीन चार मुक्कियां मारियां, फिर मैं सिमरनाथ खिंच के पिछले लैके आया। फिर मेरा भरा नाल सीगा सिमरनाथ, इन्हें मेरे भरा ने सिमरनाथ नूं पिछे किया, फिर दोनों हंसराज और सिमरनाथ दोनों मेरे भरा नूं पै गए, इहदी पग लाती, बाल खोल दिते। फिर मेरी वाइफ मेरी वाइफ दोनों गई, यदि वाइफ की उंगल हंसराज मूँह पा के पूरी चब दी, पूरी उंगल चब दी, असी उन्होंने छुड़ाया, पर साढ़े उत्ते उल्टा पुलिस ने 295 केस लाया होया है। अगर अं नहीं छुड़ाते, असी नहीं छुड़ाते, इन्होंने ग्रंथ सिंह पक्का मार देना सी, इन्हों की पूरी तैयारी सी, ये अंदरों पोल लैके आए है। अपना ग्रंथी की नाम दलवीर सिंह अंदरों बड़े जे च आप महाराज पालकी बोलने है, दलवीर सिंह रागी पाइप लैके आया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो पाइप सिर च मार दिंदा और ग्रंथ सिंह उत्थे मर जाना सी, असीं उन्हें छड़ाया, साढ़े उल्टा इन्होंने परचा किया है। पिंड पंचायत ने मिल बैठ के नहीं सोचा भी आपां कोई हल कढ लईए, बहुत बार किया, अजे कल की गल है जी। वह जिन्होंने ग्रंथी सिंह नूं कुटिया, उन्हों तीन बंदे काले बकरे दाखिल है जी, साडा तो ग्रंथी सिंह दाखिल होना ही होना सी, जिहड़ी गल विच गात्रा पाया हुंदा श्री साहब जी, वह भी इन्हां पंजां बंदियां ने ला के भुंजे सुट्टा। उत्थे बीबियां खड़ियां सी, मेरा घर लागे आ, मैं सामने सामने वेख्या, मैं जो हालात वेखे, मेरा नाम दलबाग सिंह आ, मेरा भी नाम इन्हां ने लिखाया है जी, भी वह भी सगा जी उत्थे दबके मार दे जे वो आ, वह सरासर झूठे आ जी, और उन्हां दी बोल बाणी संगत प्रति इन्नी माड़ी आ। अज मैं 2 साल बाद जो गुरुद्वारे गया, उत्थे सवेरे 3 बीबियां, 2 साल बाद क्यों, मैं जी जाता नहीं उत्थे जी, मेरा अपना कोई जाति सगा संबंध, मैं उचेचे तौर इस करके पूछा है कि गुरु घर के हालात इदा के है, गुरु घर जिस काम में लैके उसारे गए थे, सानू पता ही नहीं है, शायद गुरु घर में कार्ज होंगे ही नहीं है, जिस काम में लैके गुरु साहब जी ने गुरु घर उसारे थे और परंपरा चली सी, शायद इस करके बहुत सारे लोग जाते दूरी बना ली। मैं 2 साल क्यों नहीं गया, यो ही जे 5 बंदे आ, मैं प्रधान भी सबक आया जी, मेरे से सतगुर ने इन्नी कृपा की, मैं एक आम ट्रांसपोर्टर बंदा सगा, मैंने सतगुर ने कृपा की, मैं सवेरे 20-25-30 अद्धा घंटा सतगुर ने जो मैं बच मैं उत्थे जी वाक लेंदा सी। इन्हां बंदियां दे विचों 3 बंदे जिहदा नाम सुरजीत सिंह आ, गुरदीप सिंह आ, ते ओ अपने जिहड़े रागी ने दलवीर सिंह, इन्हां ने मेरे मोहरे वाहां खिलार के मैनू पासे कर दिता। पुलिस भी गई, मैं इसे टैलीफोन किया भी वेखो जी की करन रहे आ, पुलिस गई, इन्हां दे 2 अधिकारी इन्हां ने जाके उन्हां नूं हटाया कि उन्हां दे इन्ना जोड़ मेला होया जी। मैं आखिरकार उन्हां ने जथेबंदियां सद लियां, राहोंवाल तो शहर नवें शहर तो नंग सिंह आए, मैनूं उह कहण लगे भी तूं इहदा, मैं कहा जी मैं चले, मैं गुरुद्वारे 2-2.5 साल हो गया जी, मैं गुरुद्वारे नहीं गया, बिल्कुल मेरे सामने घर दे गुरुद्वारा जी। हुण जिहड़ा मसला हुण होया हैगा की जिहड़ा, हां की डिमांड करदे हो, की मांग करदे हो, करदे आ जी भी इह जिहड़ा ग्रंथी सिंह नाल वादा होया, यह सरासर धक्काया जी, जिहड़े बंदे छड़ाए आ उन्हां नाल सरासर धक्काया जी। मैं प्रशासन अगे, मैं थाने दे मूहरे खड़ा हो के बेनती करदा आ जी, भी इन्हां बंदियां नूं बिल्कुल जे 295 लाउणी आ ते उन्हां बंदियां ते लाओ जी, सानू कोई इतराज़ नहीं। जे 295 छड़ाउण वालियां दे भी लगणी आ ते फिर इह भी बैठे आ जी, असीं भी इलाके दे बंदे, असीं भी दरियां ला के असीं भी चाह बना लैने आ जी। जरूर जरूर जी जरूर, एक जी सबका प्रधान साहब आ, ये मौजूदा प्रधान साहब, इन्हां नूं पुछो जे भाई इन्हां दी नुमाइंदे, इन्हां दी नुमाइंदे। अच्छा, ये सबका प्रधान साहब ने और ये मौजूदा प्रधान साहब ने जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। तुहाडी भी नहीं चलदी, तुसीं मौजूदा हैगे जो? बिल्कुल नहीं जी, वो नहीं जी पुछदे जी, वो उन्हां को हिसाब किताब उन्हां कोल ही आ, पैसों का लैण देण उही करदे आ, वो तो जिते माया देनी भी होवे तां वी नहीं पुछदे, किसी समझ लो किते प्रोग्राम सीगा गुरपुरब ते उन्हां पुछणा भी उन्हां ने पिता जिहड़े कीर्तन सिंह सी उन्हां नूं 2100 रुपया देना की इन्हां ने देता, असीं उत्थे मैं भी उत्थे सीगा ते साडे सैकटरी साहब भी उत्थे सीगे, उन्हां नूं सानूं पुछया नहीं किसे नूं भी, ते अपनी मर्जी नाल ही इह करदे रहिंदे। इस करके असीं ये जरूर मैं कहना चाहुंदा भी जो ग्रंथी सिंह नाल होया साडे नाल कल संगरांद वाले दिन, इदा किसी ग्रंथी नाल इदा ना होवे, किसी दी बाल पुट के तो उन्हूं घरीस के तो उन्हूं लम्मा पै जाए तो कुटिया जाए, ये इदा का कम ना गाहां तो होवे, ये बहुत माड़ी गल आ। ग
गाह तो होर भी कमेटियां कहणगे भी ग्रंथी फड़ लो फड़ लो तो कुट लवो तो एक जो मर्जी सिद्ध करा लवो। इस करके मैं प्रशासन को बहुत बेनती करदा भई ये चाहे तो एस जी पी सी जां होर भी जिहड़ियां जथेबंदियां आ ये बारे जरूर सोचण ता कि किसी ग्रंथी नूं किसी नूं इदां कुटमार ना की जाए नहीं तो तुहाडे ये सिख कौम दे विच अगे तो ग्रंथी साहब बिल्कुल बन की कोशिश नहीं करनगे ना बनगे। वाहेगुरु जी खालसा। इधर एक बार दिखा दिओ जी माड़ा जा जाते 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 मैं लगता कि भाई बलबीर सिंह मुछल होरी तो भाई दविंदर सिंह होरी सत्कार कमेटी वाले जिहड़े हैगे ने सड़क के उपर बह गए ने बिल्कुल थाने के गेट के मूहरे। बस आही दिखाना सीगा जाते जाते अपना उम्मीद करते हैं कि जरूर प्रशासन इस बन्ने ध्यान दूंगा गंभीरता दे नाल जिहड़े दोषी हैगे ने दोहां धिरां दे नाल पुछगिछ करके तो इस मसले का ढुकवां हल कढ़िया जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।